परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का यह विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। आज रविवार का दिन और आज हम एक बहुत ही खास और बहुत उपयोगी टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल लिविंग एंड बायो एंजाइमर्स। बहुत ही शानदार टॉपिक सस्टेनेबल लिविंग एंड बायो एंजाइमर्स के बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से जानी मानी विशेषज्ञ ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है, जयश्री जी भुतोड़िया। जयश्री जी एक बहुत ही जानी मानी ट्रेनर, वक्ता, समाज सेविका और इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, बहुत ही संस्थाओं से जुड़ी हुई है और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जापानी लैंग्वेज में आप बच्चों को पढ़ाती भी है, जापानी लैंग्वेज सिखाती भी है, आपका एक सेशन भी चल रहे है, क्लास भी लेती है आप। तो मैं जयश्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने बारे में, इस क्षेत्र में आप इतनी आगे कैसे बढ़ी, कहां से प्रेरणा मिली आपको और आपने ये जो फील्ड चुना इसके पीछे किसी की प्रेरणा से आपने चुना, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताते हुए आप आज का सेशन प्रारंभ करें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जयश्री जी आप ही से निवेदन करना चाहूंगा, आप संक्षिप्त में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप खुद दें। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं जयश्री भुतोड़िया और जैसे अंकल ने बोला, मैंने भी मेरा जैसे नॉर्मल एजुकेशन शुरू हुआ वैसे ही बीएससी किया, फिर एमएससी किया। तो मेरा बीएससी फूड न्यूट्रिशन में था, फूड साइंस में, फूड एंड न्यूट्रिशन में। जब फूड न्यूट्रिशन कर रहे थे तो समझ में आया कि उसमें कैसे ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हम जो बोलते हैं, बैक्टीरिया है, ये वायरसेस है, फंगाई है, जो बहुत अलग अलग जो बीमारियां भी फैलाती हैं और जो अच्छे भी होते हैं, मतलब गुड बैक्टीरिया भी होती है और बैड बैक्टीरिया भी होती है। 95% तो अपने गुड बैक्टीरिया से ही सराउंडेड होते हैं, बट 5% बैड बैक्टीरिया ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है अपने, मतलब नेचर में भी, शरीर में भी। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट जागा, तो मैंने फूड माइक्रोबायोलॉजी का आगे जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी फूड माइक्रोबायोलॉजी किया। फिर उसमें ही मैंने देखा कि ये फूड माइक्रोबायोलॉजी एनवायरनमेंट को भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर मैंने जब एमएससी के बाद, मेरा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद मैंने जो काम मैंने शुरू किया वो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में किया। और शादी से पहले मैं जब सूरत में ही थी तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे बहुत काम करते थे हम लोग, कि जितना भी गंदा इंडस्ट्रीज का, क्योंकि साउथ गुजरात बेल्ट पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो उसका जितना भी केमिकल्स है ये सब है, ये बिना ट्रीट किए कैसे नेचुरल बॉडीज में जा रहे हैं और कैसे ये चारों तरफ गंदगी, जैसे इस तरफ सचिन और जीआईडीसी, वो सब जगह जब हम इंडस्ट्रीज विजिट करते थे तो देखते थे कि कैसे पानी का रंग ही वहां पूरा पीला और लाल हो रखा है। वहां जो सड़कों पे भी जो पानी फ्लो हो रहा था वो येलो कलर का और रेड कलर का पानी फ्लो हो रहा था। तो उसपे हम लोग बहुत काम करते थे एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी पे। उसी क्षेत्र को फिर हम ये सोचे कि अब ये तो इंडस्ट्रीज की बात हो गई, लेकिन घर घर में भी अपने क्या कर सकते हैं, कि अपनी तरफ से हर इंसान ऐसा क्या कर सकता है कि इस चीज को और आगे ले जाएं। तो फिर हम लोगों को ये सारा, ये जो सस्टेनेबल लिविंग का और ये सब का वो जो इंस्पिरेशन मिला, काफी जन से मैंने भी सीखा, बहुत जन है, शायद उनमें से एक दो जन जुड़े भी हैं, आई थिंक जुड़ी है। तो जी आपको जापानी लैंग्वेज सीखने का शौक कैसे जगा? हाँ,
तो ये जब काम कर रहे थे तो मैंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एडिटिंग किया था मैंने, मतलब उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जापान है, उन लोगों के ही काफी वॉल्यूम्स मैंने एडिट किया, उन लोगों के एनवायरमेंटल मैनिफेस्टो जो है वो जब एडिट किया तब उन लोगों से जब मिलती थी या फिर उनके कल्चर के बारे में जब जाना तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुई, और बहुत ही प्यारे, बहुत बहुत प्रेम से हर चीज डील करने वाले लोग हैं, मतलब किसी को कोई कष्ट कोई तकलीफ कभी भी नहीं देना चाहते। जैसे हम लोगों का वर्किंग आवर्स अगर टाइम है 5 बजे, अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरा काम नहीं खत्म हुआ है मुझे 7 बजे तक काम करना है, तो वो जो बॉस होते थे वो लोग भी बोलते थे कि नहीं आपने आज जितना कर लिया, मतलब मैं बोल नहीं सकती, इतना ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए वो सब लोग इतना अच्छा बिहेव करते हैं। जैसे इसके दौरान मैं, मेरी बेटी तब, मतलब मैं प्रेग्नेंट भी थी और कुछ मुझे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, तो मुझे 3-4 महीने थोड़ा हॉस्पिटल का और वो सब भी चक्कर था, तो उन्होंने डेडलाइन भी एक्सटेंड कर दिया मेरे रिक्वेस्ट करने के बगैर ही। तो उस वजह से, उस लैंग्वेज से, उन लोगों से, वो सबसे मैं काफी इंस्पायर होके फिर मैंने वो लैंग्वेज पिक किया। और तो हाँ, आप ऑनलाइन क्लास लेती हो, इससे जापानी लैंग्वेज क्या ऑनलाइन हम घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। हाँ, ये तो ऑल थैंक्स टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से अपने सभी जानते हैं, आज आप और हम भी मिले हैं, तो लॉकडाउन की ये जो चीज है कि वेबिनार्स जो शुरू हुआ है, तो ये जो कल्चर शुरू हुआ है उसी वजह से मिल पाए हैं, नहीं तो इससे पहले तो सब फिजिकल ही होता था। देखिए हमारे साथ जापान से जसवंत जी लोडा भी जुड़े हुए हैं, जापान में शायद मेरे ख्याल से अभी। अच्छा जसवंत जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर हम सेशन शुरू करेंगे, जब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। जय दिनेंद्र साहब। जय दिनेंद्र। हाँ बस सब फरमाए सब, आप लोग आप जापान में हो ना अभी? हाँ मैं टोक्यो में ही हूँ साहब अभी। देखिए तो आज जयश्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जापानी लैंग्वेज सिखाने का काम ये यहाँ बखूबी कर रही है, और आज हमारे साथ जुड़कर हमें एक विशेष टॉपिक के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। तो मैं अभी सबसे निवेदन करना चाहूंगा, सब अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय श्री जी का वेलकम 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 जय श्री जी। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू अंकल जी, मतलब इस प्लेटफॉर्म से मैं भी जुड़ी हुई थी, जैसे मैंने आपको बोला 2 साल लॉकडाउन जब थे मैं भी पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी, और बस स्कूल्स वगैरह खुलने के बाद थोड़ा सा, बट यूट्यूब पे हमेशा मैं फॉलो करती रहती हूँ। ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म में अपना थोड़ा सा जो भी कुछ जानती हूँ उसका योगदान मैं दे पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपसे निवेदन है, सेशन शुरू करें। या तो अपना सेशन बिगिन करते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत ब्रीफ में अगर बताया जाए तो ये है कि हाउस होल्ड से अपने एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट को तो हानि ना हो लेकिन अपने हेल्थ को भी नहीं हो। जैसे इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब आप जो बोओगे वही पाओगे। तो उसी को एक्सटेंड करते हुए मैंने बनाया है कि एज यू थ्रो सो शैल यू रीप, मतलब आप जो फेंकोगे आपको वही मिलेगा। प्लास्टिक फेंक रहे हो हर जगह प्लास्टिक ही मिलेगा, केमिकल्स फेंक रहे हो बिना सोचे समझे अगर हर चीज, तो वो इट्स अ फुल सर्कल, एक पूरा साइकिल है, आप बच नहीं सकते हो इससे। आपको जो आप बाहर देख रहे हो वही आपको मिलेगा। वो केमिकल्स वाटर बॉडीज में जाते हैं, पर्यावरण में जाते हैं, सॉइल में जाते हैं, कैसे ना कैसे फिर आपके शरीर में आएगा वो चीज। तो ये मैंने उसका एक्सटेंशन एक बनाया है कि एज यू थ्रो सो शैल यू कीप, उसी का आपको पहाड़ हर जगह दिखेगा जो गंदगी दिखती है हर शहर में या फिर। तो वी एंड नेचर वी आर नॉट टू डिफरेंट यूनिट्स, मतलब मैं ही नेचर हूँ, नेचर ही मुझ में है। ऐसा नहीं है कि नेचर अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं है। जो तत्व वहां है, जो 5 एलिमेंट्स नेचर में है, वही 5 एलिमेंट्स मुझ में भी है। तो हम एक पूरा एक जुड़ाव है, एक यूनिट है, हम दो अलग चीजें नहीं है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, तब आता है ये कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सस्टेनेबल लिविंग। एक सेकेंड में मेरा प्रेजेंटेशन ऑन कर लेती हूँ, जस्ट वन। ओके सो ये अभी दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ, सो सस्टेनेबल लिविंग क्या है, ये जैसे मैं बता रही हूँ अगर इजी लैंग्वेज में बताना है तो अपने तरफ से अपने मिनिमलिस्ट होके क्या चीज ऐसा है जो बहुत टाइम तक चले वैसा कुछ कर सकते हैं।
मतलब एक हो गया है फास्ट फैशन आजकल जो हो गया है कि भाई ये चीज यूज करो ये अपडेटेड मतलब आउटडेटेड हो गई, फिर ये कपड़ा पहनो ये आउटडेटेड हो गया। तो फास्ट फैशन को फास्ट फैशन की तरफ अपना लगाव ना रखते हुए स्लो फैशन कह लीजिए या फिर जो इंडिया में पहले से होते आया है, इंडिया में ये सब चीजें नई नहीं है, हम हमेशा ही बहुत ही सोच समझ के जीने वाले और बहुत ही मतलब स्पेंडथ्रिफ्ट्स नहीं थे, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत खर्चा करके बहुत, ये सब यूरोपियन नेशन से जो हम इनफैक्ट हम लोगों की जनरेशन और अब और जो भी जनरेशन आई है जो ये चीजें हम लोगों ने जो अपना ली है उसके वजह से जो पूरा एनवायरमेंट में एक शिफ्ट आ गया है। वरना हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स वो सब जनरेशन में ये सब चीजें नहीं थी, ना तो इतने एडवर्टाइजमेंट्स थे ना इतना ये शो का ये था कि भाई कुछ दिखावा करके लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो ये चीज जो है अभी बहुत खुशी की बात है कि वापस रिवर्स एक चेंज आ रहा है, बहुत लोग सब समझ रहे हैं। इनफैक्ट मुंबई बेल्ट में और गुजरात बेल्ट में हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो बच्चे भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज से आईआईटी के बच्चे भी जो 20 साल 21 साल के बच्चे हैं वो भी काफी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अब बहुत हो गया, एनवायरमेंट को अपने बहुत दूषित कर दिए, उसके परिणाम सब अपने देख ही रहे हैं ये 2-3 साल के भी जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं। तो सस्टेनेबल लिविंग क्या है, सस्टेनेबल लिविंग में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे मैं जैसे अभी ये दिखाना चाह रही हूँ कि कुछ कुछ चीजें हैं जो रिसाइकल होती है। अपने ये वर्ड बहुत सुनते हैं रिसाइकल और सबको लगता है कि हम जो रिसाइकल कर दिया मतलब मैंने बहुत कुछ एनवायरमेंट के लिए कर दिया है, लेकिन अभी मैं आगे प्रेजेंटेशन में बताऊंगी कि रिसाइकल के पहले रिसाइकल तो लास्ट स्टेप है आपका एनवायरमेंट की तरफ योगदान, आप जो पर्यावरण में अपना योगदान देना चाह रहे हो उसमें रिसाइकलिंग सबसे लास्ट आता है। सबसे पहले उसके पहले भी 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है, तो उसमें से कुछ है कि भाई जो चीजें ये समझ होना, मैं आज बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि क्या चीजें हैं जो रिसाइकल हो सकती है क्या है जो नहीं हो सकती है। तो उसमें से कुछ चीजें हैं जैसे अपने सुबह उठने के साथ साथ अपने प्लास्टिक और केमिकल्स, ये 2 चीजें हैं जो अपने यूज करते हैं और 100% इनसे छुटकारा अपने नहीं पा सकते हैं। ये गलत नहीं है अगर सोच समझ के यूज किया जाए तो। जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट मेरा एक लाइन है जो मैं कहती हूँ कि प्लास्टिक इज गोल्ड, प्लास्टिक इज गोल्ड, मतलब प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्लास्टिक डिस्पोजल, उसको वेस्ट नहीं कहते, वो सोना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक के बगैर हो ही नहीं पाएगी। इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में तो ऐसी चीजें हैं आज, आप सर्जरी से लेके काफी कुछ भी देख लीजिए, आपको वो प्लास्टिक इम्प्लांट्स ही लगाते हैं, उसके बगैर जीवन जीना असंभव है। जो अपने इतने आगे बढ़ चुके हैं आप लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में, बट प्रॉब्लम है वेस्ट डिस्पोजल। तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें जैसे आपने जो सुबह टूथब्रश यूज किया वो रिसाइकल नहीं होता और वो हजारों साल तक पर्यावरण वैसे ही पड़ा रहेगा, तो उसका विकल्प अपने को भी अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं कि क्या अल्टरनेटिव है। तो उसका अल्टरनेटिव है जैसे हम लोग यूज करते हैं ये बैम्बू टूथब्रश, देख सकते हैं आप लोग सब, ये पेड़ से बना हुआ बैम्बू का बैम्बू टूथब्रश है। तो ये एक विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है कि आप वो प्लास्टिक को नहीं जाने दे रहे हैं और आपका अपना काम रुक नहीं रहा, आपका काम हो रहा है। वैसे ही कुछ है जैसे अपने स्ट्रॉस, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम दे रही है जो ऑर्गेनिक क्रीचर्स है जो प्लास्टिक स्ट्रॉस यूज करते हैं, प्लीज से नो टू प्लास्टिक स्ट्रॉस, मतलब नो मीन्स नो। और प्लीज अपने बच्चों को भी अपने फैमिली में सबको बताइए कि प्लास्टिक स्ट्रॉस जितना डेंजरस चीज कुछ नहीं हो सकता। ये अलग अलग क्रीचर्स के इंटेस्टाइन्स में उनका जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है उन सब चीजों में हर जगह जाके ऐसे फंस जाता है, तो उसका विकल्प है ये स्टील स्ट्रॉस। अगर बच्चों को या किसी को लगे कि स्ट्रॉस की जरूरत है ही तो ये स्टील स्ट्रॉस भी आते हैं, तो उसका ये विकल्प है कि इनको क्लीन करो, रीयूज करो, वापस इनको रीयूज करो। तो ऐसे ही कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखी है कि एक चीज है कि भी आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, टिश्यूज जो यूज करते हैं उसमें भी कहा जाता है कि कुछ 17-20 पेड़ों को काटा जाता है तब जाके, और कुछ 20,000 गैलन का पानी यूज होता है, वेस्ट होता है, तब जाके वो जो एकदम चमचमाते हुए टिश्यूज अपने नजर आते हैं जो यूज करने में अपने को बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा फील देते हैं वो बन पाते हैं, तब जाके एक टन ऑफ वो टिश्यू बन पाता है। तो वाई नॉट कैरी आर ओन हैंकीज, नैपकिन जैसे पहले करते थे, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वाई नॉट कैरी आर ओन बैग,
हम लोग जैसे ही क्या करते हैं, हम लोग का जो एनवायरमेंटल सेमिनार या सेशंस जहाँ पे भी होते हैं, फिजिकल जो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फिजिकल जो होते हैं, वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि नाश्ता हाई टी ठीक है, बट ऑल ऑफ यू विल हैव टू ब्रिंग योर ओन वाटर बॉटल, सबको अपना अपना पानी का बॉटल लाना पड़ेगा. तो वी आर कटिंग ऑन दिस बिस्लरी बॉटल्स की जो पैकेजिंग जो बहुत बहुत रकस क्रिएट कर रही है, छोटे 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 बॉटल्स जो हैं उनको डिस्पोज करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. तो सब अपने घर से एक वाटर बॉटल लेके आइए, सब अपने घर से एक नैपकिन लेके आइए. तो टिश्यूज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, पानी की बॉटल्स नहीं प्रोवाइड की जाएगी. तो प्लीज आप लोग भी जब भी अपने सेमिनार्स कर रहे हैं, अपना जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये कुछ कुछ बातों का ध्यान रखें. इसमें स्टाइल स्टेटमेंट को नहीं आने दें, इसमें ये नहीं आने दें कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, अभी वो सब सोचने का टाइम नहीं. अभी ये है कि हम कितना ऑलरेडी डेंजरस इफेक्ट्स दे चुके हैं एनवायरमेंट में. तो मैं जो बता रही थी कि रिसाइकिल से पहले क्या, रिसाइकिल के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 R's होते हैं एनवायरमेंट में. अगर आप अपना योगदान कहीं पे भी थोड़ा सा देना होता है तो थोड़ा सा ध्यान से ये सीख ले कि पहले है कि रिफ्यूज करो, जो आपको जरूरत नहीं है उस चीज को एकदम ना कहो. जैसे मैंने अभी ये पानी के बॉटल का एग्जाम्पल दिया, उसके बगैर अपने रह सकते हैं, मैं अपना बॉटल लेके जाऊंगी, अगर मैं भूल गई और आधी 1 घंटे का बात है, तो अपने जैनिज्म में तो वैसे भी चौबियार अपने करते हैं कि भाई ठीक है 1 घंटा मैं पानी का सोगन ले रही हूँ. जैसे मैं ये कोशिश करती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक बुक फेयर में गई, मेरी बेटी को बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, कोलकाता बुक फेयर में मैं गई थी. गाड़ी में पानी का बॉटल हमारा था, पानी का बॉटल हम भूल गए, पानी का बॉटल गाड़ी में, और वो फेयर इतना बड़ा था कि हम चले तो गए और रास्ते में धूप में फिर हमको प्यास बहुत लग गई. बट अब ये भी था कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा और लग जाएगा. बट मैंने कोशिश किया कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा मैं पानी पिए बगैर नहीं रह सकती हूँ. तो मैंने एकदम कोशिश किया, और बच्चे भी अब समझ गए हैं, उनको भी लगा कि मम्मा प्यास लग गई है, बट ये गलती हमने की ना, पानी का बॉटल हमने नहीं कैरी किया. तो इट्स बेटर कि ठीक है 1 घंटा आप मत पियो, आप जाके पी लेना, बट डू नॉट बाई बॉटल्स. सो अब हर बार तो ये हो नहीं सकता, इसलिए प्लीज ध्यान रखें कि अपना बॉटल, अपने नैपकिन, जो जो चीजें हमको अनावश्यक है वो पहले से हम ले लें और बाहर से ना खरीदें. तो रिफ्यूज पहला कॉन्सेप्ट है कि जो हमको जरूरत नहीं है वो हम रिफ्यूज कर रहे हैं, हम लेंगे ही नहीं. फिर भी अगर नहीं कर पाए, फिर भी जैसे और बच्चा बहुत छोटा है, रह ही नहीं पा रहा है, तो हमको लेना ही पड़ेगा. तो उसको कहते हैं रिड्यूस, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना. ऐसा नहीं है कि हम 5 जन है तो 5 के लिए एक बॉटल ले लिया. तो दैट कॉन्सेप्ट इज रिड्यूस. आप पहले रिफ्यूज किया, अगर आपको लगा नहीं संभव है, आप खरीदना ही पड़ेगा, तो उसको रिड्यूस कीजिए, उतनी ही मात्रा में लीजिए जितनी की जरूरत है. अनावश्यक खरीद के हीप्स ना करें. जैसे अपने शॉपिंग करने जाते हैं, लगता करे ये तो ऑफर है, ये डिस्काउंट है, बहुत सारा खरीद लो, अब इसे खरीद के हीप कर दो उसको. प्लीज डोंट डू इट. रिड्यूस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट. थर्ड कम्स रीयूज, यानी एक ही बॉटल को हम बार बार रीयूज कर रहे हैं. जैसे हम करते हैं कि भाई प्लास्टिक कंटेनर्स है, पेट कंटेनर्स है, उसमें सामान हमने यूज किया, उसको डिस्पोज ना करें और रीयूज करें. तो आप सामान भी जो खरीदते हैं, थोड़ा सा माइंडफुल होके वैसे ही चीजें खरीदें, वैसे ही कंटेनर्स खरीदें जिसको अपने रीयूज कर सकते हैं. फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है रीपर्पज, कि आपने रीयूज कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब क्या. जैसे आजकल देखते हैं मॉल्स के बाहर या काफी घरों में, बंगलोज में भी वर्टिकल गार्डन्स शुरू हो गया है. अगर आप लोगों ने वर्टिकल गार्डन्स देखा है तो वॉल्स के ऊपर ही प्लास्टिक बॉटल्स में प्लांटेशन प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स और हर्ब्स और ये सब ग्रो करना शुरू कर दिया. दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ रीपर्पजिंग. यानी वो बॉटल अब कुछ काम नहीं आ रहा है, मैंने रीयूज भी कर लिया, हो सकता है कि उसका ढक्कन खो दिया है, हो सकता है कि बॉटल खराब हो गई है, टूट गई है, लेकिन फिर भी मैंने उसको ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं फेंका, मैंने उसको रिपर्पज कर लिया, यानी अब वो कोई और पर्पज के लिए यूज आ रहा है मेरा. और लास्ट में है रिसाइकिल के. अब इन ऊपर वाले 4 alternatives में से आपके पास कोई ऑप्शन जब नहीं बचता है, तब जाके उसको रिसाइकिल में दीजिए. ये छोटी छोटी 5 चीजें इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी सुनने से हो सकता है कि आपको, बट अगर थोड़ा सा माइंडफुल रहेंगे, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं है. आराम से घर में हर फैमिली मेंबर इसको फॉलो कर सकता है. तो नेक्स्ट चलते हैं. ये जैसे सेग्रीगेशन, स्क्रीन ठीक से दिख रहा है ना सबको? जी दिख रहा है बिल्कुल. So, ये है जो मैं मेन मेरी आज का जो टॉपिक का है कि एग्जैक्टली अपने वेस्ट को, आजकल बहुत सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज भी बोलने लग गए ड्राई वेस्ट को अलग करो, वेट वेस्ट को अलग करो, बट फिर भी वेस्ट है ना, आप वेस्ट बाहर जाने दे रहे हो. जैसे मेरे केस में, आई मीन
दिस इज समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ. एक चीज है जो मैं बहुत ज्यादा प्राउडली बोल पाती हूँ कि मेरे घर के डस्टबिन एकदम खाली रहते हैं. जो झाड़ू में धूल मिट्टी जाती है उसको छोड़ के मेरे घर के डस्टबिन में यूजुअली कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सारा डाइवर्ट कर दिया है कि एनवायरमेंट में जाने से पहले हम उसको कैसे बचाते. तो वेस्ट सेग्रीगेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है ड्राई वेस्ट, एक होता है वेट वेस्ट. सब जानते हैं क्योंकि अपने बहुत सिटीज में, जैसे मैंने सूरत में भी देखा, जब डस्टबिन वो कलेक्ट करने वाले जो व्हीकल्स आते हैं तो ड्राई वेस्ट अलग डब्बे में डाला जा रहा है, वेट वेस्ट अलग डब्बे में डाला जा रहा है. तो ड्राई वेस्ट क्या है, जैसे कि हम ड्राई वेस्ट का क्या कर रहे हैं, जैसे ये प्लास्टिक कंटेनर है, मैंने यूज किया इसको, डिस्पोजेबल था, यूज किया, टूट गया, अब मैं ऐसे ही डस्टबिन में डाल दे रही हूँ, नो. या फिर जैसे ये पेपर्स है, मेरे काम नहीं आ रहे हैं, ये पेपर्स को मैंने ऐसे ही कचरा में डाल दिया. ये प्लास्टिक है, कोई खाने के सामान में या किसी में भी आया है, ये मेरा यूज जब खत्म हो गया मैंने ऐसे ही डस्टबिन में डाल दिया. वो नहीं करते हुए अब हम लोगों का यहाँ पे एक यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज किया है ड्राई वेस्ट के लिए. कोई भी ड्राई वेस्ट हो, जैसे आप अपने अपने सिटीज में भी आप पता कीजिए, जरूर कुछ होगा. जैसे हम लोगों के इस तरह बॉम्बे में है, गुजरात में भी कुछ ना कुछ होगा. एंड जो कहते हैं ना कि जरूरत आप क्रिएट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस आएगी, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हम लोगों ने भी एक जरूरत क्रिएट किया कि ये सारा रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट, ये सब रिसाइकल हो सकता है, लेकिन अब रीयूज नहीं हो सकता क्योंकि टूट गया है, अब इनको कचरे में नहीं जाने दें. तो ऐसी पैकेट्स आती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है बिंटेक्स, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट ऑन व्हील्स, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, वो हर हफ्ते आते हैं जो आपकी चीजें एकदम जरूरत नहीं हो, जैसे अपने रद्दी वाले को पेपर्स वगैरह देते हैं, वैसे ये सब चीजें हैं, छोटी बड़ी जो भी चीजें हैं, जो भी ड्राई है, पेपर है, जैसे पिज्जा बॉक्सेस है, आपने बच्चों ने पिज्जा खाया, सब खाया, उसके बाद हम ऐसे ही फेंक देते हैं. आप सोचिए आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का इतना चलन है, वो अमेजोन से फ्लिपकार्ट से बॉक्सेस आते हैं और वो ऐसे ही फेंक देते हैं. तो बस सोचना है कि डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए. ऐसा ही एक और क्या चीज है जो बना सकते हैं, तो हम जो रिसाइकलेबल वेस्ट है वो ऐसे पैकेट्स में भर देते हैं, एक बड़ी थैली देते हैं वो लोग हमको, वन वीक हर हफ्ते वो लोग आते हैं, बट मेरा हर हफ्ते में ये पैकेट भर ही नहीं पाता है, मुझे तकरीबन एक महीना सवा महीना लग जाता है एक पैकेट उनको देने के लिए. मतलब यहाँ तक कंपनी से फोन भी आने लग गया कि जयश्री जी आजकल आपके पैकेट्स नहीं आते हैं. हम बोलते मेरे पास है ही नहीं वैसा कुछ प्लास्टिक या वैसा कुछ वेस्ट के मेरे पास हर हफ्ता वो फिल हो जाए. तो एक ये कॉन्सेप्ट है, ये है रिसाइकलेबल. जैसे मैंने नीचे लिखा ड्राई वेस्ट होता है, वेट वेस्ट होता है. ड्राई वेस्ट में है नॉन रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट, और एक होता है रिसाइकलेबल, जैसे ये पेपर है और ये सब रिसाइकलेबल अपने सब रिसाइकलर्स को दे देते हैं. लेकिन जो नॉन रिसाइकलेबल है उसका क्या, नॉन रिसाइकलेबल किसे कहेंगे आप? नॉन रिसाइकलेबल मतलब जैसे जैसे सब्जी वब्जी लेते हैं वो थैलियां हैं, जैसे ये श्रिंक रैप्स है ना, कोई भी पैकेजिंग में आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे पैकेट्स आते हैं जो मतलब हाथ से ऐसे करने से ही फट जाए, ये रिसाइकल करने योग्य नहीं है, आप नहीं रिसाइकल कर सकते हो. और सबसे ज्यादा डेंजर जो है वो यही क्रिएट करते हैं, यही क्रिएट. जैसे नए कपड़े आपने खरीदे, पीछे टैग्स होते हैं ना, वो छोटा प्लास्टिक जो एक छोटा सा लंबा सा स्ट्रैंड होता है प्लास्टिक का, वो सब रिसाइकल नहीं होता है. आप क्या करोगे उसको, अब जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, ये रिसाइकल भी नहीं जा सकता है. तो इसका बहुत एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग कर रहे हैं, उसको कहते हैं इको ब्रिक्स. इसका सेमिनार अपने कभी और ले सकते हैं, इसमें एक अलग एक घंटे का सेमिनार हमको चाहिएगा. मैं बस आपको बताना चाह रही थी एक बार के लिए कि ये अगर आप करके रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अपने एक महीने बाद दो महीने बाद कभी कोई सेमिनार ले. ये इको ब्रिक्स क्या है, मैंने क्या किया, ये जो प्लास्टिक के बॉटल्स है, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स है या पानी पीते हैं वो बॉटल्स है, उनको नहीं फेंक के ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक है ना, जैसे अपने राखी यूज किए, राखी के ऊपर प्लास्टिक के बीड्स, प्लास्टिक के तारे और वो सब है वो डाल दिया, कोई भी खाने का प्लास्टिक पैकेट्स है जो रिसाइकलेबल नहीं है या जो छोटे पैकेट्स है, जैसे मैगी मसाला जितने पैकेट्स आते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स एल्यूमिनियम के और प्लास्टिक के, जिनको हम गिराते ही हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो सबको इस बॉटल में भर दिया. नॉन रिसाइकलेबल, प्लीज ये समझिए, ये नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक है. रिसाइकलर रिसाइकलेबल प्लास्टिक लेके चला गया, ये नॉन रिसाइकल, ये मैंने ये बॉटल्स में भर दिया. इसका वजन होता है तकरीबन, मतलब जो बॉटल का वेट है, जैसे एक लीटर का मेरा अगर ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है तो इंटू 0.36 हमको करना है,
इंटू 0.36 करने से यानी 360 ग्राम का ये वजन होना चाहिए। इस पे हम कभी और लेंगे, इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, आज हम बायोएंजाइम्स के बारे में डिटेल्स में करेंगे। अब ये कहाँ यूज आता है, ये एक ब्रिक बन गया, इको ब्रिक, ये ऐसा ही ब्रिक बन गया, इतना ही मजबूत है जितना कि ईंट पत्थर से बिल्डिंग्स बनते हैं। तो ये हमारे ब्रिक्स जाते हैं सबर्ब्स में, जैसे कोलकाता के बाहर हम लोगों ने जो एफर्ड नहीं कर सकते ईंट पत्थर, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बाथरूम्स बना के दिए। हर कॉम्प्लेक्स में नीचे जहाँ बेंचेस बनते हैं ना, बैठने के बेंचेस बनते हैं, वो बेंचेस इससे बन रहे हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल एक टेक्नोलॉजी है इको ब्रिकिंग का। ये हो गया ड्राई वेस्ट, ड्राई वेस्ट में अपने रिसाइक्लेबल हो गया, नॉन रिसाइक्लेबल हो गया। अब वेट वेस्ट जो किचन से निकलता है, जो अपने किचन से जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फल के फ्रूट्स के सबके जो छिलके निकलते हैं, ये भी तो डस्टबिन में जाते हैं। अब इसका ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिनके घर में गार्डन्स है वो कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ये भी एक अलग मेथड है, इसमें भी बाद में डिटेल में जाया जा सकता है। लेकिन अभी का जो मेथड है, जिसके जैसे मेरे घर में गार्डन नहीं है, मैं कंपोस्टिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं मैक्सिमम मेरे वेजिटेबल पील्स जो है, जो दूध वाला आता है उसको दे देती हूँ, अपने गाय को खिला देता है। लेकिन गाय भी सब चीज नहीं खाती है, जैसे सिट्रस पील्स है, नींबू के छिलके हैं, ऑरेंज पील्स है, पाइनएप्पल पील्स है, स्वीट लाइम पील्स है, मौसम्बी के, संतरे के, ये सब तो गाय भी नहीं खाती है, अनारदाने के, ये सब तो गाय नहीं खाती। अब क्या करें, ये भी तो कचरे में जा रहा है, इसको भी बचाना है। इसके लिए एक बहुत सुंदर जो चीज हम लोगों ने कर दी है वो है बायोएंजाइम्स। आगे बढ़ते हैं बायोएंजाइम्स में, तो ये है वेट वेस्ट। वेट वेस्ट के मैंने दो तरीके बताए, उसमें से एक है जो बहुत आसानी से आपका कोई ज्यादा टाइम ना लगते हुए, ज्यादा पैसा नहीं लगते हुए और ज्यादा मेहनत नहीं लगते हुए, ये तीन चीजें है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो नहीं अफोर्ड कर सकते, आजकल सब बिजी है, इतना टाइम नहीं है। बहुत पैसा लग रहा है तो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और बहुत मेहनत लग रहा है तो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। बट ये तीनों ही चीजें जब नहीं लग रहे हैं तो कर सकते हैं ना। तो यही एक कॉन्सेप्ट है बायो एंजाइम्स का। तो बायो एंजाइम्स क्या है, बायो एंजाइम्स है नेचर के ही जो बग्स है, बग्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेचर के ही जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं को अपने यूज कर रहे हैं नेचर को क्लीन करने के लिए। जो आज तक कचरे में जा रहा था उन्हीं को यूज कर रहे हैं नेचर को क्लीन और साफ रखने के लिए। कैसे कर सकते हैं बताते हैं। ये हैं हमारे डॉक्टर रुसुकुन, जिन्होंने तकरीबन 45 ईयर्स पहले बायो एंजाइम्स का डिस्कवरी किया उन्होंने, और ये थाईलैंड से हैं, और इनको काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे इंडिया में पद्मश्री और वो है ना, वैसे उनके कंट्री के इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं फॉर इन्वेंशन ऑफ बायो एंजाइम्स। इनका ये मतलब इतना अच्छा इन्वेंशन की वजह से, और ये काफी, ये तो एडिबल बायो एंजाइम्स भी बनाती हैं, मतलब कि मेडिसिन नहीं लेके बायो एंजाइम्स ही बॉडी के डिसीजेस को कैसे ठीक करना है। अपने अभी बेसिक बायो एंजाइम सीखेंगे कि बायो एंजाइम्स कैसे बनते हैं, क्या है। तो ये है इको फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली। जैसे मैंने अभी बताया आपके पॉकेट पे भी बहुत हार्म नहीं है और यूजर फ्रेंडली है। ये इतना ज्यादा वंडरफुल इसका अमेजिंग इफेक्ट आता है, इसको हम लोग वंडर एंजाइम्स बोलते हैं, मिरेकल एंजाइम्स बोलते हैं, मतलब एक ही एंजाइम सारा काम करता है, सब काम। मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या केमिकल्स कब कब अपने इतने घिरे में और यूज करते हैं, जो अपने बॉडी में इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स दे रहा है। आजकल जो भी अपने बॉडी की डिसीज प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारा केमिकल यूसेज और प्लास्टिक यूसेज की वजह से। तो बायो एंजाइम्स इससे हमको पैसे बचाता है। इसमें क्या होता है, ये मल्टीपर्पज एक नेचुरल क्लीनर बन जाता है। आप इसको हेयर वॉश से लेके कार वॉश तक कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। हमारे फार्मर फ्रेंड्स हैं जो बहुत सारे यूज करते हैं अपने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को हटा के, ये बायोएंजाइम्स यूज कर रहे हैं। मतलब इसके इतने सारा ज्यादा यूजेस है, आप चौंक जाएंगे कि एक प्रोडक्ट जो इतना आराम से घर पे बन रहा है उसके इतने फायदे कैसे हैं। तो ये कैसे बनता है, जैसे मैंने बताया वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील से। तो इसमें ज्यादातर सिट्रस पील्स, जो मैंने बोला कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, मौसम्बी, संतरे, उन सबके छिलके हम लोग यूज करते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं थोड़ा सा, प्रोपोर्शन में आपको अभी समझाऊंगी। और फिर तकरीबन 90 डेज के बाद एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इसमें, जैसे कि वाइन बनता है, जैसे वाइन बनाते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना, तो वैसा ही एक प्रोसेस होता है, उससे एक बाई प्रोडक्ट बनता है। जैसे आप दूध में
थोड़ा स्टार्टर डालते हैं तो दही कैसे बनता है, बाई प्रोडक्ट है उसका, ऑर्गेनिजम्स एक्ट करती हैं और दूध को दही में बदल देती है। वैसे ही इसमें भी ऑर्गेनिजम्स, जो गुड बैक्टीरिया है, जो मैंने समझाया कि गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है, और 95% गुड बैक्टीरिया ही होता है। तो ये गुड बैक्टीरिया जो है गुड़ के साथ फर्मेंट होती है और फर्मेंट होके एक बहुत सुंदर 90 डेज के बाद बायो एंजाइम्स नामक एक प्रोडक्ट, एक एंजाइम होता है ये, जैसे अपने शरीर में भी एंजाइम्स होते हैं वैसा ही कुछ एंजाइम्स इसमें बनते हैं। और ये एंजाइम होता है जो यूज आता है अपने कोई भी दाग धब्बे या कहीं पे बहुत माल ऑर्डर्स होता है जहाँ गंध है, बदबू है, वो सबको दूर करने के लिए। तो ये बैक्टीरिया से बना हुआ एक बाई प्रोडक्ट है जो अच्छा। अब इफेक्ट्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि अपने केमिकल्स कहाँ कहाँ यूज नहीं करते, सुबह टूथपेस्ट से लेके रात में मतलब हर चीज अपने नहा रहे हैं, सोप्स है, शैम्पूस है, अपने डिटर्जेंट्स है, डिश वॉशर्स है, टॉयलेट क्लीनर्स है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोप्स, जो अपने बाहर के केमिकल्स सोप्स यूज करते हैं, बोलते हैं कि कुछ तकरीबन 13 से 14 सेकंड के अंदर वो केमिकल्स अपने स्किन के अंदर चला जाता है। अपना स्किन है इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अ बॉडी, अपने जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसमें से लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन, और वो स्किन जो है वो सारे हार्मफुल केमिकल्स उसको इम्बाइब कर लेता है, सीप इन कर लेता है। अपने को लगता है कि हम तो साफ हो गए हैं, ऊपर से सारा कुछ क्लीन लग रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेस दे रहे हैं, लेकिन बॉडी में केमिकल्स अंदर सब ऑर्गन्स में पूरे स्किन से चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से आप देखिए ड्राइनेस आ जाती है, सोप से कोई नमी तो रहता नहीं है, नेचुरल नमी तो रहती नहीं है, शैम्पूज भी ड्राई स्काल्प का प्रॉब्लम इतना हो जा रहा है आपके शैम्पूज के कारण, पूरा डैंड्रफ और ड्राई स्काल्प और ये सब। और डिटर्जेंट्स में भी ऐसे ही है, जो कपड़े है उनका रंग चला जाता है वो तो ठीक है, लेकिन वो फैब्रिक एक्सपैंडर्स भी है, अपने नहीं बोलते कि कपड़ा जो है वो जैसे टी शर्ट्स है और ये सब बहुत बार वॉश होने के बाद क्या होता है कि वो पूरे ढीले होके सैग पूरा, मतलब कपड़ा ऐसे होता है कि कुछ एक साइज का लिया और वो साइज ही दुगना हो गया उस कपड़े का, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं ना अपने सब। सेम इज विद डिश वॉशर्स, क्या होता है प्लेट्स में कभी आपने गौर किया है, खाने के प्लेट्स में कभी कभी एक वाइट मार्क जैसे रह जाता है, वो सब क्या है, जो आप डिश वॉशिंग यूज करते हैं उसके रेसिड्यूज है, मतलब वो केमिकल्स बाहर पूरा का पूरा आप उससे मुक्त नहीं मिल सकता है आपको। तो वो डिश वॉशर्स, फ्लोर क्लीनर्स में भी यही प्रॉब्लम है, फार्मिंग इंडस्ट्री में आजकल प्लांट्स के इतनी सारी नई नई डिसीजेस देखने को सुनने को मिलती हैं जो पहले नहीं थी, क्योंकि ये सब इतने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने का प्रॉब्लम है, और ये सब सॉइल में जाता है, सॉइल से ग्राउंड वाटर टेबल में जाके अपने ही पानी में वापस आता है, जो मैंने बोला एज यू थ्रो सो शैल यू हीट, वही घूम फिर के आपके ही बॉडी में आ रहा है। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स, इन सारे केमिकल्स के इफेक्ट्स को एकदम से खत्म कर सकता है अपना ये बायो एंजाइम, जो आज हम अभी बनाना सिखाएंगे उसको, कि बायो एंजाइम के एग्जैक्टली ये देखिए केमिकल्स जो यूज कर रहे हैं, आई का प्रॉब्लम बहुत शुरू होने लग गया, आई डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत होने लग गए, स्पेशली जो टॉयलेट क्लीनर्स यूज करते हैं अपने, कंपनी के नाम हम नहीं लेंगे लेकिन पता ही है कि सबसे फेमस कंपनीज जो हैं और वो जो एडवर्टीजमेंट्स करती हैं इतनी टॉक्सिक पॉइजनस फ्यूम्स उसमें से बाहर आती हैं, और आपको पता है कि वो अगर पानी के साथ अगर यूज करो या आपके घर के ब्लीच के साथ यूज करो तो इट्स फैटल, मतलब मौत तक हो सकती है। ऐसे भी केसेस हैं जहां पे लोगों को ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हमको लगता है कि टॉयलेट सीट एकदम क्लीन हो गई और अपने खुद तुरंत बैठ जाते हैं यूज करने के लिए, यानी आप अपना बेयर स्किन जो है तुरंत स्किन के कांटेक्ट में, इसीलिए इतने सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है। आप देखिए आजकल बच्चों में भी मतलब मेंसुरेशन कितना जल्दी हो गया, एज कितनी जल्दी प्री मेंसुरेशन होने लग गया, प्री मेनोपॉज होने लग गया, सारे प्रॉब्लम्स इतने सारे क्योंकि बेयर स्किन को अपने एक्सपोज कर रहे हैं इतने सारे केमिकल्स में, और ये सब जैसे जानते हैं कैंसर कॉजिंग तो है ही। इनिशियल स्टेजेस में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लगता है कि भाई ये तो कपड़ा पहनने का है लेकिन वो कपड़े का केमिकल्स से आपका स्किन निरंतर कॉन्टैक्ट में है, उसके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ही सही बट कॉन्स्टेंट बढ़ते ही जा रहे हैं अभी। तो ये क्या है, ये सब स्किन हेल्थ को, रेस्पिरेटरी हेल्थ को, अपने जो हेडेक्स है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के जो फ्रेग्रेंसेस है वो एलर्जिक होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम से बचाव का तरीका जो है वो हम अब आज जानेंगे। कि ये मेरा बहुत फेवरेट एक कोट है कि बोलते हैं कि इट अपने जो ये प्लानेट है अर्थ जो है, इट्स नॉट गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, इट इज लोन टू यू बाय योर चिल्ड्रन,
मतलब ये हमको संपत्ति जो प्लैनेट अर्थ मिला है, ये हमको हमारे पूर्वजों से नहीं मिला है, ये मतलब मेरे बाप दादा उन सब की वो जागीर नहीं है, ये मैंने मेरे अपकमिंग जनरेशंस जो मेरे बच्चे हैं उनसे मैंने उधार ली है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? एक होता है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति है जो भी है, आपको मिली है और वो आपकी हो गई, ऐसा नहीं है। और हम इसको यूज वैसे ही कर रहे हैं, जो संपत्ति आपकी अपनी होती है आप उसको बेफिक्र यूज करते हैं, माइंडलेसली यूज करते हैं, केयरलेसली यूज करते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि मेरी संपत्ति है, मुझे जैसे चाहे मैं यूज करूं। तो अर्थ को भी हम ऐसे ही यूज करने लग गए, बट ऐसा नहीं है, ये तो हमने उधार लिया है अपने आने वाली पीढ़ी से। अब जब आप कोई चीज किसी से उधार लेते हैं, पड़ोसी से, दोस्तों से, तो आप कोशिश करते हैं कि उस चीज को एकदम वैसे ही सुरक्षित रख के वापस दी जाए, है ना? तो वैसा ही अर्थ है अपने लिए कि जो उधार लिया है हमने हमारे पीढ़ियों से, उसको सुरक्षित वैसे का वैसे वापस उनको सौंपना है, अपने को जैसे तैसे उसके सारे रिसोर्सेस एंड अप नहीं करना है। तो अब बायो एंजाइम्स का, जो हम इतने दिन से, इतनी देर से भी बात कर रहे हैं, बायो एंजाइम्स का देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसके फायदे क्या है। बायो एंजाइम्स के, जो मैंने अभी बताया इतनी देर से, कि इको फ्रेंडली तो है ही, सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करती है, क्योंकि मैं बाहर से जब मेरे, जैसे मेरे घर में केमिकल्स काफी हद तक, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जीरो केमिकल लाइफ है मेरी, बट काफी हद तक जैसे लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हो गए, टॉयलेट क्लीनर्स हो गए और डिश वॉशिंग, तीन मेन चीजें, ये केमिकल्स अब आना बंद हो गए हैं, तो उतने प्लास्टिक बॉटल्स आने बंद हो गए हैं, उतना पैसा खर्चा होना बंद हो गया है, वो सामान खरीदने के लिए जो मैं गाड़ी लेके जाती थी वो पेट्रोल का यूज बंद हो गया है, वो टाइम मेरा बच गया है। तो ये सब सस्टेनेबल लिविंग के तहत आ जाता है। तो एक है कि ये काफी इको फ्रेंडली है प्रोडक्ट जो है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये जो प्रोडक्ट है, ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसका फायदा क्या होता है, ये आपके वो सब कोनों में जा सकता है जहां केमिकल नहीं पहुंच सकता, केमिकल्स जहां आप डालेंगे वही एक्ट करके वही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऊपर से हर चीज साफ लगती है बट अंदर में क्या हो रहा है पता नहीं है, केमिकल यूसेज में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वहां नहीं रुकेंगे, ये अंदर तक हर छोटे मोटे होल्स में, हर जगह जहाँ केमिकल्स, या अपना हाथ साफ करते वक्त अपना हाथ नहीं पहुंच सकता है या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच सकता है, ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप जाएंगे और स्लोली धीरे धीरे उस सारी जगह को साफ करेंगे। तो काफी अफोर्डेबल है ही, और आपको एक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल जीने के लिए मदद करेंगे। और सबसे अच्छा है कि ये काफी बैचेस में यूज हो सकता है। जैसे मैंने मेरे कपड़े धो लिया, वो जो पानी बचा उसी से मैं मेरे साफी भी यूज कर सकती हूँ, उसी पानी को मैं टॉयलेट क्लीनिंग में यूज कर सकती हूँ, या मेरे प्लांट्स में वो गंदा नहीं होता है। प्लीज समझे कॉन्सेप्ट को, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो जो गंदगी है वो उनका खाना है, जो अपने गंदगी, जो दाग है, धब्बे हैं, जो गंध है, जो मैंने बोला, ये सब उन ऑर्गेनिजम्स का खाना है। तो वो तो खा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो तो वो सब ऑर्गेनिजम्स खाते जा रहे हैं, और अपने को क्या मिल रहा है, अपने को एक क्लीन रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये वाटर बार बार रीयूज हो सकता है। और सबसे ज्यादा काम, जो मेरा फेवरेट काम बायो एंजाइम्स को लेके है, वो बायो रेमिडिएशन का, यानी आजकल जो अपने गंगा है, जैसे हम लोगों की यहाँ गंगा है, हर शहर का अपना जो नदी है, जो पानी बहुत खराब हो रहा है, जो बहुत दूषित हो चुका है, जो हमने वाटर कंटामिनेशन इतना कर दिया है, तो ये बायो एंजाइम एक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मेथड है। तकरीबन मतलब एक लीटर बायो एंजाइम, सिर्फ एक लीटर का बायो एंजाइम 1000 लीटर के मेरे पोल्यूटेड वाटर बॉडी को साफ करता है। तो हम लोग बायो रेमेडियल वर्क्स भी बहुत करते हैं, जहाँ पे हम गंगा में जाके जो बना हुआ हमारा एंजाइम है वो डाल देते हैं, जो भी एंजाइम बन गया उसको बस वहां हमने डाल दिया। तो अभी एक बार देखते हैं कि बायो एंजाइम बनता कैसे है। तो जैसे मैंने एक पार्ट गुड़ लिया, कोई भी आप चाहिए तो मेजर कर लीजिए, 100 ग्राम्स गुड़ को मेजर कर लीजिए, या फिर एक कटोरी में गुड़ को मेजर कर लीजिए। आपने 3 हिस्से सिट्रस पील्स के लिए, यानी नींबू के, मौसम्बी के, संतरे के, पाइनएप्पल के, ये सबके छिलके लिए, और आपने उसमें 10 पार्ट पानी मिला दिया। 10 पार्ट्स कितना होता है, 1 लीटर पानी। आपने उसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम छिलके मिला दिए, 100 ग्राम जो है गुड़ मिला दिया। बस ये एक प्रोपोर्शन है, आप लोग प्लीज लिख के रख लीजिए इस प्रोपोर्शन को। बस ये एक ही प्रोपोर्शन है हर तरह का बायो एंजाइम बनाने के लिए। मैं अभी बताऊंगी कि बहुत सारे बायो एंजाइम्स बनते हैं, ये हम बता रहे हैं कि ये मैक्सिमम यूज आ जाता है हर तरह की क्लीनिंग में। ये आप हर तरह का अपना डिश वॉशर की जगह, लॉन्ड्री वॉशिंग की जगह, टॉयलेट क्लीनिंग की जगह, फ्लोर मॉपिंग की जगह, अभी जो जैसे मैंने बायो रेमेडिएशन का बताया है,
आपको ये सब कोई यूजेस अगर मतलब उसके बाद भी आप बना के भी उसको वाटर बॉडीज में फेंक देंगे ना, तब भी आप एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ा। अगर आपको लगता ना, देखिए चेंज इज नॉट दैट इजी, आई एक्सेप्ट इट, हम लोगों को सबको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे और कुछ नहीं तो जो हमारी हेल्प्स आती हैं, जो हमको हेल्प करती हैं घरों में भी अपने काम में, तो वो दीदी लोगों को भी समझाने में टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि वो रेडीली एक्सेप्ट हो गए इस चीज को, उनको लगता है कि भाभी क्या दे रहे होगे, ये क्या है, इसमें तो झाग नहीं है, इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो स्मेल वैसा नहीं है, क्योंकि ये तो सिट्रसी स्मेल होगा ना, इसका तो स्मेल वैसे ही होगा जैसे आप संतरा मौसमी से लेते हैं, जो लेमन नींबू के छिलके में मिलता है, बहुत सुंदर खुशबू होती है, लेकिन वो खुशबू तो नहीं जिसकी आदत हो चुकी है हमको, वैसा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर तो है नहीं इसमें। तो उनको भी समझाने में टाइम लगा, पर धीरे धीरे वो भी समझ गए कि उनके हाथों में कितना डिफरेंस आ गया है, स्किन कितने यूज करते हैं उससे हाथों में जो अपनी पूरी नमी खत्म हो रही थी उसका डिफरेंस पता चल रहा है, बर्तन कितना आसानी से हो रहा है और बर्तनों में मतलब एकदम स्विकी क्लीन हो जा रहा है, सेम रिजल्ट कपड़ों में भी आ रहा है कि एक अच्छा स्मेल और अच्छी सॉफ्टनेस कपड़ों में कैसे रह रही है। तो रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, ये मैजिक नहीं है कि इंस्टेंट हमको दिख गया, क्योंकि ये माइक्रो केमिकल्स आर लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर केमिकल्स, वो दिखा देते हैं इंस्टेंट रिजल्ट के, देखो हम साफ कर दिए, बट वैसा नहीं होता, वो कितना रेसिड्यूज छोड़ देते हैं, वो बाद में दूषित करते हैं। और ये है बायोएंजाइम्स जो आपको एक बार आप थोड़ा सा 10-15 दिन का अगर आप समय देंगे तो आपको खुद को रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है। तो और कुछ नहीं करना है, 1 लीटर में अभी लाइव डेमो दूंगी आपको, 1 लीटर पानी में आपको 3 हिस्से 300 ग्राम छिलका लेना है और 100 ग्राम गुड़, कोई भी गुड़, ऑर्गेनिक जैगरी ले तो बहुत अच्छा है, कोई भी गुड़ आप डाल सकते हैं। और कंटेनर का साइज, जैसे अगर 1 लीटर ले रहे हैं, जैसे ये मेरा 1 लीटर का पानी है यूज कर रहे हैं इस बॉटल को, पानी का बॉटल है ये भी, मैंने नहीं खरीदा हुआ है, हमारे बिल्डिंग में भी एक अंकल आए हुए थे अभी, ऊपर एक आंटी पंजाबी आंटी रहती हैं, उनके भाई आए हुए थे, तो वो मिनरल वाटर ही पीते हैं क्योंकि बाहर रहते हैं, इंडिया में आते हैं तो अपने सब जानते हैं कि वो लोग काफी प्रिकॉशियस होते हैं और मिनरल वाटर पीते हैं। तो उनसे मैंने आज कल हमको मिला ये 2 कंटेनर, एक 5 लीटर वाला और एक ये लीटर वाला, तो ये रीयूज हम कर रहे हैं। इसमें 1 लीटर पानी मैंने डाला है और 100 ग्राम तकरीबन गुड़ डाल के मैंने रखा हुआ है, और अभी हम उसमें सिट्रस के पील्स, ये जो भी पील्स है वो सारे अपने डाल के इसको 3 महीना छोड़ देना है, यानी तकरीबन 90 डेज इसको छोड़ देना है, कुछ आपको नहीं करना है खाली इसमें से, क्योंकि मैंने बताया एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, यानी गैस निकलेंगे, जैसे वाइन बनता है तो फर्मेंटेशन होता है ना, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जब खोलते हैं तो एक फिज आवाज आती है ना, जब बॉटल्स आप खोल रहे तो एक आवाज आती है, तो वैसे आवाज आएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 15-20 डेज खाली ढक्कन को घुमाना है, कुछ नहीं करना, बस घुमाना है, ऐसे खोलना नहीं है इसको, खाली ढक्कन को घुमाना है, वो गैस जब रिलीज हो जाएगा, जैसे पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल से रिलीज होती है, गैस रिलीज हो जाएगा और वापस इसको बंद करके रख देना। 90 डेज में से तकरीबन 20-25 दिन आपको खाली इतना सा करना है, ये ज्यादा समय आपका लेगा नहीं, जैसे आप याद रख लीजिए आप ब्रश करने जा रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं उसी टाइम पे बस ढक्कन को खोला, गैस रिलीज हो गई, ढक्कन को बंद कर दिया, दैट्स इट, इतना ही टाइम आपका लगेगा और इससे ज्यादा टाइम नहीं मांग रही हूँ। जैसे जो आप आज तक ये सब छिलके डस्टबिन में डाल रहे थे वो आप डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं, इसमें डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो वाइड माउथ बॉटल्स ले सकते हैं और सुविधा होगी, जैसे ये मेरा एंजाइम है रेडी होने वाला है, ऐसे तकरीबन मेरे पास अभी कुछ 20-25-30 लीटर जितने एंजाइम्स है, तो ये एंजाइम है, इसका हम बताएंगे अभी कैसे पता चलेगा कि ये रेडी हो गया। ये वाइड माउथ भी आप ले सकते हैं, वाइड माउथ लेने से सामान डालना और वापस ये एंजाइम रेडी होने के बाद उसको निकालना इजी रहेगा। तो 90 डेज में से खाली 20-25 दिन आपको ढक्कन खोलना है दिन में एक बार और बंद कर देना वापस, और कुछ नहीं करना, और उसके बाद तो आपको वो भी नहीं करना है, हफ्ता 10 दिन में एक बार ढक्कन खोलिए और बंद कर दीजिए। आपका तकरीबन 90 डेज के बाद एक सुंदर एंजाइम जो है वो रेडी हो जाएगा। एंजाइम रेडी कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा कि 90 डेज के बाद अपना एंजाइम रेडी हो गया, यही मैं अभी दिखा रही थी। एंजाइम जब हो जाएगा, ये जो लेयर्स है हम जो छिलके डाल रहे हैं वो पानी में ऊपर तिरते हैं, बट एंजाइम जब रेडी हो जाएगा, आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मुझे बॉटल को देख सकते हैं आप, ये जो ऊपर एक क्लियर लिक्विड निकलेगा, नीचे जो है सारा जो डाइजेस्टेड एंजाइम्स है वो सेटल हो जाएगा। आप जैसे इस फोटो में भी देख रहे हैं, ऊपर जो है एक क्लियर लिक्विड है
और नीचे का हिस्सा जो है, ये सेकंड वाले पिक्चर में देखिए, नीचे का हिस्सा में सब सेटल्ड हो जाता है, वो छिलके वगैरह सब डाइजेस्ट होके नीचे बैठ जाते हैं। तो ये अपना एंजाइम रेडी हो गया, ऊपर वाला अपना क्लियर एंजाइम हो गया और नीचे जो अपना पल्पी एंजाइम। क्लियर एंजाइम जो है हम एज डिश वॉशिंग और लॉन्ड्री वॉशिंग में यूज करते हैं, और पल्पी एंजाइम जो है गाढ़ा होता है, वो पल्पी एंजाइम जैसे टॉयलेट क्लीनर्स को नहीं यूज करके टॉयलेट बोल्स में वो डाल दिया, तकरीबन एक घंटा उसको छोड़ दिया, स्क्रब करके यूज कर लिया, या आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, उस एंजाइम को कुछ नहीं करना है, वो जो पल्पी एंजाइम है उसको डाल दिया टॉयलेट क्लीनर्स में और ओवरनाइट आप छोड़ दिया, अगले दिन सुबह बस उसको फ्लश करके आप यूज कर सकते हो, आपके स्किन में या फिर कहीं पे भी वो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आने देगा। तो फिर आपका ये जो बायो एंजाइम है ये रेडी हो गया। ये एक एक्ट्रेस है जो प्रमोट कर रही है, थैंकफुली सारे एक्टर एक्ट्रेसेस तो केमिकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक साउथ इंडियन समानता नाम की एक एक्ट्रेस है जो बायो एंजाइम पे काफी वो भी काम कर रही है और वो प्रमोट कर रही है। और बायो एंजाइम्स का जो यूजेस है ये सब कहाँ है, जैसे मैंने भी बताया, आप इसको हेयर वॉश से लेके कार वॉश तक हर जगह यूज कर सकते हैं। एज अ बिगिनर टू स्टार्ट विथ आप इसको ये तीन चीजों में, डिश वॉशर की जगह, लॉन्ड्री वॉशिंग की जगह और अपने टॉयलेट क्लीनिंग की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात है, जैसे मैंने बताया झाग चाहिए, बाकी केमिकल्स में तो झाग होता है, इसमें तो झाग आएगा नहीं। झाग के लिए आप अरीठा डाल सकते हैं, अपने पहले भी अरीठा का बहुत यूज करते थे, सोप नट्स जिसे कहते हैं, इंडिया में तो हमेशा यूज करते आए हैं अपने ज्वेलरी को साफ करने के लिए, अपने बालों को शैम्पू के जैसे यूज करने के लिए। मतलब मेरी जनरेशन की ऊपर वाली जनरेशन है वो तो सब लोग शायद अरीठा बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत घरों में यूज होता ही था। तो अरीठा को आप यूज कर सकते हैं। क्या होगा, जब ये एंजाइम रेडी हो जाएगा ना आपका, जब ऐसे एंजाइम रेडी हो जाएगा, ऊपर का जो आपने क्लियर एंजाइम लिया, आप क्या करेंगे, एक कप अरीठा लेंगे, उसमें दो कप ये क्लियर एंजाइम डाल देंगे और दो कप आप अपना नॉर्मल नल का पानी डाल देंगे और 10 दिन छोड़ दीजिए, खाली हर रोज उसको हिलाना है, 10 दिन छोड़ दीजिए। अब अरीठा सोप नट कहते हैं, तो इसमें भी वो झाग वाली प्रॉपर्टीज होती है, सोपी प्रॉपर्टी होती है, तो यूज करने में आपको वैसे ही लगेगा, वैसे ही अच्छा लगेगा कि झाग भी आ रहे हैं और बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, जो भी वॉश कर रहे हैं उसमें वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और अरीठा जो है वो भी एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि इसका यूज कैसा है। जैसे अरीठा मैंने बताया, एक कप अरीठा अगर आप लेंगे तो दो कप ये बायो एंजाइम डालेंगे उसमें और दो कप आप तकरीबन पानी का डाल के 10 दिन उसको छोड़ देना है, हर रोज खाली शेक करना है ताकि उसमें से जो और झाग निकले। अब वो जब यूज कर रहे हैं आप तकरीबन 20 ml 30 ml जो भी है आप बाल्टी डाल दीजिए अपने कपड़े की बाल्टी में बायो एंजाइम के साथ और उसमें आप धो सकते हैं, आप अपने डिश वॉशिंग भी वैसे ही कर सकते हैं। एज शैम्पूज आपके जो फेस वॉश वॉश है, बॉडी वॉश है, शैम्पूज है, उन सब में आप यूज कर सकते हैं यही वाला एंजाइम। मतलब तकरीबन 20% जितना अगर आप ये यूज करेंगे तो केमिकल्स का इफेक्ट काफी कम हो जाएगा और अच्छे अच्छे बैक्टीरिया का इफेक्ट पूरा आपको मिल जाएगा। एक हेयर एंजाइम हम बनाना सीखेंगे, हम लोगों की जैसे मैं एक विकी नामक एक संस्था की मेंबर हूँ, एक BA नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है बायो एंजाइम एकेडमी, जो हम लोग बहुत सारा रिसर्च और प्रोडक्ट टेस्टिंग और प्रमोशन बायो एंजाइम्स का उस ऑर्गेनाइजेशन की, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत करते हैं। तो हमारी कोलकाता वेस्ट बंगाल की प्रेसिडेंट है दीपिका जलान, उनका एक रेसिपी है, उन्होंने बहुत अच्छा एक बात बोला कि एंजाइम्स कैसे बना सकते हैं। जैसे ये है, कोई भी चीज, जैसे अगर बालों के लिए आपको एंजाइम बनाना है, क्या कर सकते हैं, अपने पुराने जमाने में भी जैसे अपने नानी माँ दादी माँ सब जो बोलती थी कि भाई बेटा ये लगाओ ये बालों के लिए अच्छा है, ये कर, जैसे कलौंजी बालों के लिए बहुत अच्छा है, एलोवेरा बालों के लिए बहुत अच्छा है, नीम पत्ता बालों के लिए बहुत अच्छा है, आंवला शिका का, ये सब बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो यही सब चीजों को तकरीबन 300 ग्राम ले लेंगे, आज अपने देखेंगे, मैं ये सब चीजें लेके आई हूँ, अपने हेयर एंजाइम बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे अपने हेयर को अपने ठीक रख सकते हैं बिना शैम्पूज के भी, उसको यूज किए बिगर भी, कैसे ये ड्राई स्कैल्प प्रॉब्लम्स जो होते हैं और बालों का झड़ने का प्रॉब्लम्स जो होते हैं, और जैसे डोमेस्टिक यूज वाले तो हमने यूजेस देखे ही हैं, सिट्रस पील्स बना के बनाए हैं अपने, और ये हम हेयर एंजाइम एक बनाएंगे अभी कि कैसे अपने घर पे ही अपना वो शैम्पू का काम आसानी से हो सकता है। बाकी एंजाइम्स कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिए बाथरूम के टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए लगभग 50 ml जितना आप क्लियर बायो एंजाइम लेंगे एक मग पानी में, और आप उसको बाथरूम के टाइल्स जो है, बाथरूम के आपके जो फॉसेट्स है, नल है,
आपका फ्लोर मॉपिंग में भी ये काम आ जाता है। 20 से 30 ml अगर आप जहाँ साफी दे रही हैं, 20 से 30 ml आप उसमें बायो एंजाइम डाल देती हैं, आपका ग्लास क्लीनिंग का जो काम है, इन सब में सेम यूज सेम प्रोडक्ट यूज हो जाएगा। इसलिए हम इसको वंडर एंजाइम बोलते हैं कि एक ही प्रोडक्ट कितने सारे केमिकल्स से अपने को बचाता है। और स्लोली आप देखेंगे कि आपके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। हम हेल्थ को हमेशा एसोसिएट करते हैं कि हम जो खा रहे हैं बस उसी से हेल्थ है। नहीं, आप जिस जो भी केमिकल जहां पे भी आपका एक्सपोजर है, जो आप देख रहे हो, जो आप स्मेल कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो, हर जगह आपका हेल्थ का इम्पैक्ट है। तो ये केमिकल्स हटा के जैसे ही आप देखेंगे घर में ये यूज करने लगेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका हेल्थ इफेक्ट क्या है। एक और ब्यूटीफुल चीज इस ये एंजाइम जो करती है वो है कि ये ओजोन गैस रिलीज करती है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को बना के अगर यूज भी नहीं करें, वो प्रोडक्ट अगर बना हुआ पड़ा भी है ना, तो भी ओजोन रिलीज होता जाएगा। और अपने सब जानते हैं ओजोन किस में हमको हेल्प करता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट करता है अपना, जो हमेशा आजकल बात करते हैं ओजोन लेयर काफी डिप्लीट होता जा रहा है, इतने केमिकल्स और ये रेफ्रिजरेंट्स और इतने सारे परफ्यूम्स और काफी इंडस्ट्रीज है, सीएफसीज जो बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर्यावरण में इतना चले जा रहा है कि ओजोन का लेयर जो है वो यूवी लेयर से प्रोटेक्ट अब प्रोटेक्शन अपने को नहीं मिल रही है। तो ये पड़े हुए भी ये गैस ओजोन का काम करेगा। और हम मैं तो यहां तक निवेदन करती हूँ कि इसके बाद भी अगर आपको लगे ना कि इतना होने के बाद भी हमको अभी भी आदत नहीं हो रही है, हम नहीं यूज कर पाएंगे, तब भी मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप इसको खाली बनाइए और आप अपने कोई आसपास घर के आसपास की गंदी नाले में, कोई गंदा तालाब है उसमें, या गंदी कोई नदी जो दूषित हो रखी है उसमें जाके गिरा दीजिए, तो भी आप अपनी तरफ से पर्यावरण की बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। तो ये मैं खाली रिक्वेस्ट करूंगी कि ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। आप चाहे तो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी इनके प्रोपोर्शंस कि कैसे यूज करना है, बाकी यूसेज आप अपने नॉर्मल एक्सपेरिमेंट से सिंपल वे में कर सकते हैं। जैसे आज डिटर्जेंट भी यूज करती हूँ तो मुझे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं बताता है ना कि कपड़े धोने के लिए आपको कितना सर्फ डालना है या कितना साबुन डालना है, या बर्तन धोने के लिए आपको कितना वो बार जो अपने यूज करते हैं कितना लेना है। अपने एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है ना कि चिकना बर्तन है तो ज्यादा ले लिया, गंदे कपड़े है तो ज्यादा सर्फ डाल दिया। सेम है ये, आप अपने ट्रायल एंड मेथड से आपको खुद को पता चल जाएगा, और नहीं तो मैं आपको दे दे सकती हूँ आपका वो प्रोपोर्शन सारा कि तकरीबन इतना इतना काम आता है कोई चीज यूज करने में। तो चलिए अपने मैंने जो दीपिका जी से सीखा वो एक बायो एंजाइम हम बनाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि भाई जो नानी माँ दादी माँ से सीखे हुए हैं वो सारी चीजें यूज करते हुए, जैसे एलोवेरा है, आंवला है, नींबू के छिलके हैं, फिर जो मीठा करी पत्ता होता है, कड़वा करी पत्ता होता है, मोरिंगा जो कहते हैं आजकल ड्रम स्टिक्स, आजकल बहुत सब लोग मोरिंगा बहुत यूज करते हैं, हाइबिस्कस होते हैं उसको जावा का फूल बोलते हैं शायद हाइबिस्कस, उसके पत्तियां, उसके फूल, गुलाब के फूल, और प्याज बहुत फायदेमंद होता है, बट प्याज का एक स्मेल डिफरेंट होता है जो सबको अच्छा नहीं लगता, तो हम उसकी जगह कलौंजी और मेथी दाना सब यूज करके बायो एंजाइम बनाते हैं। जैसे तकरीबन देखिए ये मैंने 1 लीटर पानी में, मैंने बताया 100 ग्राम गुड़ मैंने पहले ही डाल दिया है, वेइंग स्केल जो सबके घरों में होता ही है, तो वो लेके अपने इसमें हम तकरीबन जैसे मैंने यहाँ पे हैं, इसका मैं प्रोपोर्शन बता दूंगी ग्रुप में, प्रोपोर्शन बता देने से आपको इजी रहेगा कि अपने आप ही वो बना पाएंगे सब लोग। तो बस ये सारी चीजें कलेक्ट करके अपने आप ही उसमें डालना है, और रेशियो सबका सेम है। तो अपने क्वेश्चंस ले लेते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी आपकी जो भी जिज्ञासा है आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अनु श्रीवास्तव जय जिनेंद्र मैम, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और मैंने जस्ट अभी डिसाइड किया है कि मैं बायोकेमिकल एंजाइम्स बनाऊंगी। केमिस्ट्री की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, तो मुझे अब इसके बारे में मतलब प्रैक्टिकल करना है, तो मुझे आपसे कांटेक्ट करना रहेगा, तो मुझे आपका नंबर भी चाहिए है। इसके यूज कैसे करने है उस पर पता करना है। और दूसरा ये है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हैं, दो ही एक लोग हैं, तो जैसे ये जो पील है तो ये ड्राई पील भी यूज कर सकते हैं, मतलब इनको सुखाते जाएं और फिर बाद में हम इसको उसमें करें कि ये तुरंत ही करना है, मतलब जैसे एक बार। अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है, बहुत अच्छा, बहुत मैंने आई स्किप दैट पॉइंट, मैं वो स्किप कर दी थी। बहुत ही अच्छा, बहुत यूजफुल क्वेश्चन आपने रेज किया है।
तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अंजू जी ने बोला कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो एक साथ तो मेरे पास 300 ग्राम छिलके पॉसिबल नहीं है कि भाई एक ही दिन में मेरे पास 300 ग्राम छिलके इकट्ठे हो जाए। तो इसमें ड्राई पील्स बिल्कुल नहीं यूज करना है कोई, क्योंकि एंजाइम जो है वो लाइव लाइव है, मतलब जो रॉ अपने छिलके हैं जो ताजा है उसी में एंजाइम रहेगा, ड्राई होने के बाद वो एंजाइम खत्म हो जाता है। तो ड्राई तो अपने कर नहीं सकते हैं, तो विकल्प क्या है अपने पास, और 300 ग्राम मेरे पास एक साथ हो नहीं रहा है छिलका, तो मैं क्या करूंगी, तो मैंने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के मैंने रख दिया। रखने के बाद मैंने मेरे पास जितना छिलका हुआ है, मान लीजिए पहले दिन मेरे पास 50 ग्राम छिलका हुआ है, मैंने मेजर किया 50 ग्राम इसमें डाल दिया, फिर 2 दिन बाद या कभी और 50 ग्राम 100 ग्राम हुआ तब मैंने और डाल दिया। तो ये बाद में बार बार करके आप डाल सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका 300 ग्राम पहली बार 300 ग्राम आपको लगा कि हाँ अब 300 ग्राम हो गया है, वो आपका day 1 होगा। जो हमने 90 डेज का बात किया है कि इसको 90 डेज अपने को रखना है, तो जिस दिन आपका 300 ग्राम पूरा हो गया है छिलके का, वो आपका day 1 वहां से शुरू होगा। आपको खाली एक स्टिकर इसमें लगाना है, जैसे मैंने ये सारे मेरे एंजाइम्स में स्टिकर्स लगा रखे हैं, आप देख पा रहे हैं सब एंजाइम्स में मेरे स्टिकर्स हैं। रिपीट करके, नेटवर्क इशू था तो आपकी वॉइस ब्रिज में ब्रेक हो गई थी। ओके, अंजू जी आपको क्या करना है, जैसे आपका पहले दिन आपने जो भी छिलके आपने यूज किए, जो भी फ्रूट्स यूज किए उसके छिलके, जब मान लीजिए 50 ग्राम 100 ग्राम जितना हुआ है पहले दिन, तो आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ पहले से ही डाल के रखे हुए हैं और उसमें 100 ग्राम छिलका डाल दिया, फिर दोबारा 100 ग्राम डाल दिया या 50 ग्राम जैसे भी हुआ है वो डालते जाएं, जब तक कि आपको 300 ग्राम ये छिलका पूरा जो है वो नहीं हो जाता। आप मेरी बात समझ गए अंजू जी? जी, बीच में ऐड कर सकते हैं, टाइम नहीं, आप इसमें बीच में इसके बीच प्रोसीजर के बीच में भी ऐड कर सकते हैं जब तक आपकी क्वांटिटी सेम नहीं हो जाती। जब तक आपके 300 ग्राम नहीं हो जाता आप कभी भी इसको डाल सकते हैं, जिस दिन 300 ग्राम हुआ वो दिन आपका day 1 कहलाएगा। जैसे आज डेट क्या है, आज अगर मैंने 26 आज 26 का मेरा अगर day 1 है, तो तकरीबन 3 महीने बाद यानी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई 26 तक मेरा ये प्रोडक्ट रेडी होगा। तो आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लिख देना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पता रहे, और उसके बाद भी आप ना उसको ऐसे ही रख सकते हैं, मतलब जैसे ओल्ड वाइन, ओल्ड बुक्स, ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ओल्ड बायो एंजाइम्स भी, जितना ये पुराना होगा उतना ये निखरता जाएगा। तो मेरे पास 1 साल पहले के बनाए हुए भी एंजाइम्स पड़े हैं मेरे, अगर यूज नहीं आ रहे तो पड़े हैं वो ओजोन। यशवंत जी लोडा ने अपने आप को अनम्यूट किया है, देखिए समय हमारे पास बहुत कम बचा है, समय तो ऑलरेडी हो चुका है टाइम हमारा। यशवंत जी कुछ पूछना है आपको, बोलिए। सर इसमें आपने जो बताया इसमें जेजिनेन सब अपने खाली मतलब साइट्रिक ही लेने हैं या नॉर्मल वेजिटेबल्स वगैरह भी ले सकते हैं? नॉर्मल वेजिटेबल्स भी अपने सब ले सकते हैं, बट 70% सिट्रस पील्स होना चाहिए। कारण ये है कि उसका खुशबू अच्छा होता है, नॉर्मल वेजिटेबल पील्स का हो सकता है कि सबको वो खुशबू इफेक्टिव ना लगे, तो 70% अगर अपने सिट्रस पील्स रखें तो वो एक फ्लेवर और फ्रेग्रेंस भी देखिए जरूरी होता है, कुछ अलग फ्लेवर हो तो फिर वो भी यूज करने में अच्छा नहीं लगता है। तो 70% सिट्रस पील्स रखिए, बाकी आप नॉर्मल। सरला जी ने एंड्राइड किया हुआ है, सरला जी अपने आपको अनम्यूट करेंगे। आप म्यूट। जय जिनेंद्र जी, आनंद भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोज नए नए लोगों से मिलाते हैं, जय श्री जी का भी बहुत आभार, अच्छा प्रोग्राम किया, बीच बीच में देते रहिए। ओम अरम जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। इसका अपने एक और पार्ट ले सकते हैं जिसमें खाली डिफरेंट एंजाइम्स और उनके यूजेस अपने डिस्कस कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही, एक पार्ट हम और लेंगे। देखिए आज कई लोग भाई बहन बाद में जुड़े, पूरा अगर आपने नहीं देख पाए हैं तो इसका वीडियो दोपहर बाद तक हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वीडियो जरूर देखिए, एक बार दो बार तीन बार 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 देखिए वीडियो को, पूरी प्रोसेस जो है आप उसको पहले समझिए, और हम चाहेंगे इसका पार्ट 2 हम बहुत शीघ्र ले लें, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम अगले संडे को भी हम रख सकते हैं। बृजमोहन जी मुंदड़ा कुछ कहना है आपको, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अनम्यूट कीजिए प्लीज बृजमोहन जी। बहुत अच्छी तरह से बायो एंजाइम के बारे में आपने बताया, और हमारे आनंदमल जी ने प्रोग्राम रखा तो मैं कब से राह देख रहा था, 1 हफ्ते पहले से ही। मैं देख रही थी सर, आप बहुत फोकस से सब पॉइंट्स लिख रहे हैं, बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत अच्छा लग रहा था, कांस्टेंट में ऑन स्क्रीन देख रही थी कि आप नोट कर रहे थे हर चीज। हाँ, नोट्स भी निकाला ना। थैंक यू, धन्यवाद बहन जी।
जय श्री जी। बृजमोहन जी एक जाने माने योगा ट्रेनर है और हमारे यहाँ कई सेशन ले चुके हैं, बहुत शानदार इन्होंने प्रोग्राम लिए हमारे साथ मिलकर, दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए। हमारे जो हम संकल्प सूत्र के साथ हमेशा समापन करते हैं उसी तरह से दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का जो भी हमारे साथ जुड़े, और पूरे एमपी के टीम की तरफ से जय श्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।